नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। 18 में बोला है बेटा एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये मान लेता हूँ इस पॉइंट के अबाउट क्या हिंस है, लेंथ दे दिया एल, इसको बोला है पुल ए साइड टू मेक एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पुल करके ड्रॉ किया हुआ हूँ। ये बोल रहा है एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। यहाँ पे पुल किया गया विद द वर्टिकल, है ना, मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा एंगल बना लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द वेट डब्ल्यू, तो इस पर वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ एम जी, और इसी का नाम क्या दिया यहाँ पे डब्ल्यू, तो वेट डब्ल्यू लग रहा होगा। इसके चलते टॉर्क बताना। अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट हिंज है, तो इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। तो टॉर्क अबाउट आपको क्या निकालना है, फिर से यहाँ पे टॉर्क अबाउट ओ बताना है इस वेट के कारण। तो फिर से आपके पास दो मेथड है यहाँ पे, सिंपली कैसे करोगे आप, एक तो डायरेक्टली आर क्रॉस एफ करके निकाल सकते हो, या एक तो क्या करोगे डायरेक्ट क्या करोगे एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे देख लो सिंपल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक लाइन ड्रॉ करो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा, ये वाला। तो एक तो तुम ऐसे ड्रॉ करो, ये वर्टिकल होगा, ठीक है, इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये भी वर्टिकल है, दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों के बीच देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसको बोल रहे हैं आर परपेंडिकुलर। इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंड इफ दिस इज थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है बेटा, तो थीटा के सामने आपको पता है हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा होता है, थीटा के बगल में हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, थीटा के सामने साइन थीटा, तो हाइपोटेनस इज एल, एल इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर निकल गया, डब्ल्यू आपको पता है, तो मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ का मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, तो सिंपली क्या करोगे, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स की वैल्यू कितना, डब्ल्यू इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सिंपल आंसर। डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, है ना, डायरेक्शन भी कैसे निकालोगे, तो देखो आर आपने किधर लिया, इधर की तरफ, एंड डब्ल्यू किधर है, नीचे की तरफ, तो यहाँ से आर क्रॉस अप करो, आर ये है और ये है, तो आर क्रॉस अप करोगे तो ये इधर ऐसे आएगा, ऐसे का मतलब काउंटर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। और आप राइट हैंड कर्ल रूल भी यूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप देखो एंटी क्लॉक वाइज अगर आप फिंगर को मोड़ोगे एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में अगर आप मोड़ोगे, तो आप देखना थंब का जो डायरेक्शन है वो किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से आउटवर्ड इस तरह से, तो डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, तो आप ऐसे निकाल लिए, है ना, आ कौन सा फॉर्मूला करके एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, या आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते थे, इसके पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वहाँ पे तो मैंने सिर्फ इसी मेथड से किया था, है ना। यहाँ पे मैं एक बार करके बता देता हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली करना हो तो कैसे करोगे आप आर क्रॉस एफ वाले मेथड से। तो देखो सबसे पहले तो बेटा आपको एफ दिखाना है, तो एफ तो यहाँ पे दिखा दिया सर नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वेक्टर कौन सा है बेटा, आर वेक्टर, आर वेक्टर कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, है ना, उसका जो पोजिशन वेक्टर है, आर इज बेसिकली व्हाट, पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ। तो ये देखो ये जो है ना ये आर वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एल के इक्वल है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल के इक्वल है ना। तो अगर मैं इससे करूँ तो कैसे लिखूंगा, आर क्रॉस एफ लिखूंगा सिंपली, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा बताओ, अब यहाँ पे डायरेक्शन मान लो कुछ भी, मान लो इधर है एक्स एक्सिस एंड इधर है क्या बेटा वाई एक्सिस, ऐसे मान लो, ठीक है। अब आर को क्या लिखूँ बताओ, आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो आर को लिख सकता हूँ दिस वेक्टर नेगेटिव एक्सिस कह लूँगा ना, क्योंकि ये इधर एक्स माना है तो ये इधर नेगेटिव एक्सिस, एंड दिस वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से देखो, दिस आर वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ऐसे कर सकते हैं।
मतलब आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर, एंड ये मैं मान लेता हूँ आर पैरेलल। आर पैरेलल क्यों? एफ के पैरेलल, इसलिए आर पैरेलल नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो वेक्टर है, आर परपेंडिकुलर एंड आर पैरेलल। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आर को आर परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे देखो आई कैप लगा दो। आई कैप क्या लगाओगे, माइनस आई कैप लगाओगे ना, इधर क्यों रहा है ना, तो आर परपेंडिकुलर में माइनस कर दिया, ये आई कैप हो गया। आर को लिख रहा हूँ मैं, और क्या करोगे देखो, यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ है तो ऊपर वाला प्लस माना है तो नीचे फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस आर पैरेलल और ये क्या आ जाएगा, जे कैप, ये पूरा आ जाएगा आर वेक्टर आपका। देख लो आई कैप एंड जे कैप के टर्म में आर वेक्टर ये होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है। एंड क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट एफ, एफ को क्या लिखोगे बेटा, तो एफ का मैग्नीट्यूड तो कितना है, डब्लू, एंड डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, नीचे का मतलब माइनस जे है ना, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस जे, यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ और ये जे कैप लगा देता हूँ। अब क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम वाले के साथ जीरो हो जाता है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, ए बी साइन थीटा, एंड डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप आप जानते हो, तो साइन आ रहा है ना, तो अगर दोनों का एंगल सेम होगा, दोनों अगर पैरेलल होंगे, जे और जे पैरेलल है, तो साइन जीरो आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला। तो ये वाला देखो कितना लिखोगा आप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आर परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड हो गया सिंपल। अब यहाँ पे एरो मत लगाओ है ना, क्योंकि एरो क्यों लगाओगे, यहाँ पे आई कैप तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने है ना, तो यहाँ पे एरो मत लगाओ, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, आर परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या लिखोगे डब्लू, एंड आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के, ये याद रखो आप, आई जे के है ना, आई क्रॉस जे इज के कैप। के कैप को वही मैंने यहाँ पे दिखाया था किधर बेटा, ये इस तरह से डॉट बाहर की तरफ, देखते यहाँ से ये पता चल गया। और देख लो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर परपेंडिकुलर इंटू डब्ल्यू, यहाँ पर भी वही किया था आपने, आर परपेंडिकुलर कितना आया था, तो देख लो आर परपेंडिकुलर कितना आया था, एल साइन थीटा और इंटू डब्ल्यू, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया कि कैसे करते हैं अगर किया जाए तो। बाय द वे फिर आगे हम लोग करेंगे किससे, इसी मेथड से करेंगे, आर परपेंडिकुलर वाले मेथड से ही करेंगे, वेक्टर मेथड से नहीं करेंगे, जब वो रास्ता ना दिखे तब वेक्टर मेथड से करेंगे, या क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन कर दे तभी वेक्टर मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अच्छा अभी इसमें और भी कुछ पूछ रहा है ना, व्हेन इज द टॉर्क ज़ीरो, बोला टॉर्क ज़ीरो कब होगा, तो सोचो बेटा टॉर्क ज़ीरो होने के क्या क्या कंडीशन होते हैं, टॉर्क ज़ीरो होने के, आर क्रॉस एफ ज़ीरो होने के क्या क्या कंडीशन होते हैं, या तो आर वेक्टर ज़ीरो हो जाए, आर वेक्टर ज़ीरो हो जाए मतलब ये वाला डब्लू को उठा के तुम यहीं पे डब्लू को उठा के धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, तो देखो आर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहीं पे डब्लू लगा दो तो आर जीरो, या तो आर जीरो हो जाए तब भी टॉर्क जीरो, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे सिर्फ फोर्स लगे, ठीक है, तब या तो फोर्स जीरो हो जाए है ना, या एक जो एंगल आता है दोनों के बीच में, यहाँ पे करोगे आप तो मैग्नीट्यूड अगर आप इसका लिखोगे तो कितना लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना लिखोगे आप, आर एफ साइन थीटा और एन कैप डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ना आर जीरो है ना एफ जीरो, क्योंकि देखो आर तो इतना बड़ा लेंथ है, एफ भी है कुछ ना कुछ वेट को होगा, तो किसको जीरो करना चाहिए आपको सोचो, टॉर्क जीरो करने के लिए यहाँ पे किसको जीरो करना चाहिए, साइन थीटा को जीरो करो, साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए तो थीटा जीरो का मतलब ये जो पेंडुलम है वो कैसा आ जाए, ऐसे आ जाए, थीटा जीरो कब होगा, जब ये पेंडुलम जस्ट इसके नीचे आ जाए ऐसे, तो देखो इसमें क्या होगा ना, डब्लू नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे जो वही बात कर रहे थे कि इसको उठा के कहाँ कर रहे हैं, यहाँ, मतलब ये सिमिलर है इसी के है ना, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है ना, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है इसी से पास कर रहा है, तो जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसी से पास करे जिसका वो टॉर्क निकालना है, तो आर क्या लिखोगे तुम, आर जीरो हो जाती है, या तो फोर्स को यहाँ उठा के कर लो, या तो फोर्स को ऐसे रखो कि लाइन ऑफ एक्शन, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो इस पॉइंट से पास करने लगे, तब भी क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, या फार्मूला में रखोगे तो थीटा जीरो रख दो,
तब भी जीरो आ जाएगा। तो सिंपल थी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तब। ठीक है, तो आंसर इसका मैच कर लेते हैं। 18 का पहला तो है डब्ल्यू एल साइन थीटा, आंसर दिया है डब्ल्यू एल साइन थीटा, सही है। एंड व्हेन द बॉब इज एट द लोएस्ट पोजीशन, है ना, लोएस्ट पॉइंट मतलब वो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो कब होगा, जब लोएस्ट पॉइंट होगा। इससे इधर ले जाओगे तब भी इससे कुछ ना कुछ ऊपर ही रहेगा, इससे इधर लाओगे तब भी बॉब कुछ ना कुछ ऊपर ही रहेगा, लोएस्ट पोजिशन यही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के साथ।